तो दोस्तों आज का अपना यही जो है थोड़ा सा नाश्ता है। तो इन्होंने यहाँ उस्ताद जी ने रोकी थी गाड़ी, तो उनके पीछे मैंने भी रोक। हेलो दोस्तों, मैं गोपाल यादव स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो गुरु कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हम खड़े हुए हैं बुंदेलखंड हाईवे पर और हमारा माल है पिपरिया का और हम जा रहे हैं मध्य प्रदेश। तो दोस्तों गाड़ी यहाँ रोकी हुई है चाय पीने के लिए और तीन गाड़ियाँ साथ में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक वो खड़ी मेरी वाली गाड़ी पीछे, एक ये उस्ताद वाली गाड़ी और एक और गाड़ी वो उधर दूर जाके थोड़ी खड़ी हुई है। तीनों गाड़ी साथ में गुरु, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये हाईवे, इस हाईवे की बात करें बहुत अच्छा हाईवे यार, बिल्कुल नो ट्रैफिक यार, बिल्कुल ट्रैफिक इस रोड पे है ही नहीं और बहुत अच्छा लग रहा है इस हाईवे पे। तो गाड़ी चलाते समय आप ये समझ लो बहुत मन को शांति मिल रही है क्योंकि बिल्कुल ट्रैफिक है नहीं गुरु। तो अभी हमने गाड़ी रोकी हुई है मॉर्निंग टाइम में चाय पीने के लिए, तो चलते हैं चाय दुकान पर। और यहीं पर है एक चाय दुकान जो कि रोड से नीचे है। वैसे तो इस हाईवे पे ना कोई पंप पड़ा है ना कोई होटल पड़ा है अभी तक, 150 किलोमीटर हम लोग चल के आ गए हैं। तो एक चाय की दुकान दोस्तों दिखी है, वहीं चलते हैं, चलो चाय पीने। वो रही दोस्तों नीचे में चाय की दुकान और वहाँ सभी पी रहे हैं चाय। चलो भैया हम भी चलते हैं नीचे उतर के। तो दोस्तों ये आ रही है हमारी टीम चाय पी के और सबसे पहले चढ़ के आ गए लम्बू भाई। अभी वो उस्ताद लोग थोड़े थोड़े हल्के हल्के चल के आ रहे हैं चाय पीने के बाद। बहुत मुश्किल हो रहा है चढ़ना, कुछ चाय दुकान थे उधर बहुत नीचे। आ गए भैया ठिकाने पर। चलिए दोस्तों चाय पानी हो गया और अभी निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं आगे कहीं। तो दोस्तों हुआ था ये कि मैं उठाता सो के थोड़ा लेट, अब मैं उठा तब तक ये लोग गाड़ी लगा के वहां पर जा चुके थे और चाय वाय भी इन्होंने पी ली थी। तो मैं भी गया तो मैंने भी जल्दी से एक चाय पी, तो चाय पी के निकलना है अभी हम लोग। और हम इसी हाईवे पे चल रहे हैं, इस पर ना कोई पेट्रोल पंप है गुरु, ना कोई ढाबा है, बस ऐसा ही एक आध तो चाय की दुकान है हाईवे से बहुत नीचे उतर के, जो कि अभी हम चाय पी के आए। तो ठीक है गुरु चाय पानी हो गया, अभी निकलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों निकल पड़े हैं वहाँ से चाय पी के और इस हाईवे पे मैं आज पहली और फर्स्ट बार आया हूँ अपनी ड्राइवरी में, और कनेक्ट्री में भी मैं कभी इधर आया नहीं हूँ, पहली बार ही मेरा ये ट्रिप लग रहा है इधर का पिपरिया का। और दोस्तों यहाँ जब गाड़ी का टायर पंचर हो जाएगा या फिर कोई बात हो जाएगी या फिर गाड़ी में तेल ख़त्म नहीं होना चाहिए इस हाईवे पर, क्योंकि दोस्तों यहाँ आपको ना कोई पंप मिलेगा इस हाईवे पर, ना कोई होटल है और ना कोई टायर की दुकान है। ऐ मेरे हम सफर इस तरह जिंदगी। दोस्तों बहुत मजा आता है जब ट्रैफिक कम होता है और रोड होता है एकदम खाली, तो गाड़ी चलाते हुए भी बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है गुरु। कभी एक आध गाड़ी निकल गई तो निकल गई इस रोड पे। तो दोस्तों ये हम पहली बार ही आए हैं और दो गाड़ी हमारी और हैं, वो भी पहली बार ही आई हैं, तो एड्रेस थोड़ा पूछ रहे हैं, दिक्कत हो रही है यार, फर्स्ट बार कहीं भी जाओ तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और दोस्तों हुआ भी भाई, हमको गाड़ी रिवर्स लानी पड़ी। ये दोस्तों देखो उस वाले रोड पे हमें मुड़ना था और हम चले गए सीधे, फिर हमने पूछा एक भैया से एड्रेस, तो उन्होंने बताया, तो हमने फिर रिवर्स ली अपनी गाड़ियाँ। ये भी हमारे मालिक की गाड़ी है और वो वाली गाड़ी भी रिवर्स आ रही है, वो भी हमारे यहीं की गाड़ी है। तो दोस्तों हमको ये वाले रोड पे आना था और ये चढ़ना था इधर सीधे कानपुर की साइड में, और यहीं आगे से थोड़ा हमको उतरना भी है,
लेकिन हम चले गए नीचे सीधे, फिर पता किया तो फिर वापस आए लौट के यार। और दोस्तों तीन गाड़ी साथ में है तो प्रॉब्लम बिल्कुल हो नहीं रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है सफ़र में भी आज हमको, नहीं तो हम अकेले ही ज़्यादातर रहते हैं। और आज जो हमारी तीनों गाड़ियों का साथ संगम हुआ है और फर्स्ट ट्रिप है हमारा, ये पहली बार ही हम इधर आए हैं। ये आ गए दोस्तों टोल गेट और यहाँ से हमको कटाना है टोल। दोस्तों ये हम आ गए ऊपर और देखो हमारी एक गाड़ी वो देखो नीचे खड़ी है बिल्कुल ही, तो हम ऊपर से आए वो भी नीचे से घूम के आ जाएगी। खैर कोई बात नहीं, हम भी गोल गोल घूम के उसी रोड पे निकल आएंगे, हम सीधे निकल आए वो भी गाड़ी गोल सीधे सीधे उधर ही उस रोड पे मिल जाएगी। ये आ गया हमारे सामने वाला। दोस्तों वहाँ से हम चल के आ गए अभी और होटल पर रोकी हुई है एक पे गाड़ी, और इनका उस्ताद जी का हो गया रास्ता थोड़ा ढीला, तो अभी टार्ट करके निकलेंगे फिर यहाँ से। गुरु और दोस्तों ये हम खड़े हुए हैं अभी मोहबे में, मोहबे से 9-10 किलोमीटर पहले हैं। आपने आला तो सुनी होगी, आला में मोहबे का भी नाम सुना होगा, मोहबे काफ़ी विख्यात जगह है दोस्तों। अभी जाएंगे दोस्तों फ्रेश फ्रेश होने, यहीं पे लैट्रिन बाथरूम भी बनी हुई है सब कुछ। ये रहा इधर होटल, तो ये है दोस्तों ये हम आ गए बाथरूम में एकदम बढ़िया, ये हमारे लिए ही बना होता है ड्राइवर भाइयों के लिए ही। चलिए अभी फ्रेश होते हैं। तो दोस्तों अभी होटल पे थोड़ा बहुत नाश्ता पानी करेंगे, पराठे वराठे बोले हुए हैं खाएंगे अभी, तो ये भरी हुई है गुरु कुंडली यहाँ पे, तो मैंने सोचा क्यों ना यार पहले नहा लिया जाए, पानी भी बहुत अच्छा खासा ही है, तो नहाते हैं गुरु पहले फिर चलते हैं होटल की तरफ कुछ खाने पीने। तो दोस्तों नहा धो के आ गए और काफ़ी ठंड लगी यार, अब चलते हैं परौठा खाने, और अपने भी फ्रेश हो लिए नहा धो लिए, गाड़ी को भी पानी डाल दिया सफाई कर दी। हमारे दोस्त आज पड़े भाई अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं, वाह यार ये लगा भाई हमारा पराठा दाल सलाद, चलिए खाते हैं प्रेम से बैठ के। तो दोस्तों आज का अपना यही जो है थोड़ा सा नाश्ता है और खा पी के जो है निकलेंगे अभी हम थोड़ी देर में आगे के लिए, आगे करेंगे सफर, तेल वेल भी डलाना है। साथ में भी गाड़ी खड़ी है, साथ वाले उस्ताद लोग भी हैं वो भी अपना खाना पीना दोस्तों कर रहे हैं, जो है निकलेंगे फिर अभी यहाँ से खा के। तो दोस्तों होटल से हम लोग निकल के आ चुके हैं और चल रहे हैं अभी अपने हम सफर पे, और अभी दोस्तों हम मोहबे पहुँचने वाले हैं मोहबा, और भाई तेल बेल डलाएंगे गाड़ी में, व्यक्ति को जो है कराएंगे फुल। तो ये ऐसा वाला रोड है, ये मतलब फोर लाइन नहीं है, तो सिक्स लाइन है, टू लाइन रोड है, अच्छा रोड है। चलिए दोस्तों निकलते हैं यहाँ से और फिर देखते हैं आगे कहाँ रुकना होगा क्या होगा। तो दोस्तों अभी हम वहाँ से होटल से निकले और हम आ चुके हैं अभी छतरपुर के पास, छतरपुर हमारा यहाँ से अभी 30 किलोमीटर है और वहीं हमको यूपी और एमपी का बॉर्डर लग जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पे गाड़ी रोकी हुई है, बहुत अच्छी जगह है, बिल्कुल सुनसान एकदम शांत जगह है, और ये मेरे पीछे पेट्रोल पम्प है गुरु, अभी बंद पड़ा हुआ चालू हुआ नहीं है, उसके पीछे अच्छी सी एक पहाड़ी भी है और वहाँ दूर छोटे छोटे मंदिर भी हैं। ये है इधर दोस्तों रोड जो कि टू लाइन रोड ही है, काफ़ी अच्छा रोड है और जंगल भी है रोड के सारे, पेड़ पौधे खेती जगह ज़मीन, मतलब अच्छा काफ़ी रोड लग रहा है। और ये हमारी खड़ी गाड़ी, एक ये गाड़ी पीछे खड़ी है, एक ये खड़ी है, और वो अपनी वाली गुरु प्यारी 14 टायरा गाड़ी खड़ी हुई है। और दोस्तों ये इधर पीछे है पहाड़ी और ये पेट्रोल पम्प है, तो अभी पड़ा हुआ है गुरु ये बंद पेट्रोल पम्प, तो इन्होंने यहाँ उस्ताद जी ने रोकी थी गाड़ी, तो उनके पीछे मैंने भी रोक दी भैया गाड़ी, क्योंकि अभी दो उस्ताद लोग हमारे साथ हैं, हमसे उम्र में बड़े भी हैं तो काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा भी है उन्हें, तो हम उन्हीं के पीछे चल रहे हैं, जहाँ वो रोकते हैं वहीं हम रोक देते हैं।
अभी देखो कितनी देर में निकलते हैं, क्या होता है गुरु, तो हम भी उनके पीछे जो है निकल लेंगे। यहीं दोस्तों थोड़ा पानी वानी पिया है, थोड़ा पेशाब वेशाब करके गए थे उस्ताद लोग, करके आए हैं अभी। तो दोस्तों हमें लगी थी थोड़ी थोड़ी भूख, इस वजह से जो है गाड़ी यहाँ पर रोक ली और अपना आइटम कार्यक्रम चल रहा है पीछे, देख सकते हैं आप लोग। और बनाने के लिए काफ़ी अच्छी जगह थी, काफ़ी शांत माहौल है, तो यहीं पे दोस्तों गाड़ियों को जो है स्टॉप कर दिया। गुरु उधर चल रहा रोड, और ये वाली गाड़ी रोड के साइड में ही लगी हुई है। वो कारीगर साहब बैठे हैं जिन्होंने अभी अभी चावलों को तड़का लगाया है। और गुरु ये खड़ी हमारी वाली गाड़ी, तो हम अपनी बात करें तो भैया हमारी वाली गाड़ी तो बिल्कुल ही न्यूट्रल है, अभी उसमें कुछ है भी नहीं, गैस भी नहीं है, क्या भी नहीं है। और जो पहले हमारे साथ चौधरी साहब रहते थे आप लोगों ने देखा होगा, तो वो इस चक्कर जो है चले गए, उनकी दीदी की तबीयत ख़राब थी, तो बनाने का भी थोड़ा आप लोग जानते ही हो सहयोग थोड़ा कम हो गया, तो इस वजह से हमने सामान पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वरना आप लोग देखते ही हैं अपने हमारे ब्लॉग में, हम तो खाना पीना जो है ज़्यादातर बनाते ही हैं। तो दोस्तों उन लोगों ने अपना खाना पीना बनाया और खा भी लिया। चलिए दोस्तों अभी निकलते हैं यहाँ से, हम तो अपने ही गाड़ी में इधर बैठे हुए हैं अभी, और गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, तो ठीक है दोस्तों निकलते हैं अभी फ़िलहाल यहाँ से। और अपनी गाड़ी में गुरु कुछ था नहीं बनाने के लिए, परौंठा सुबह खा के आए थे तो ज़्यादा भूख भी लगी नहीं थी यार, पेट बांध दिया परौंठों ने, पता नहीं क्या हो गया। तो दोस्तों वहाँ से तो हम निकल ही पड़े हैं, और अब हमारा अगला जो स्टॉप होगा वो होगा छतरपुर बॉर्डर पर। दोस्तों अगर ट्रैवलर के भाई की वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक भी कर दिया करो, और चैनल पर यदि नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने ड्राइवर भाई को दोस्तों सपोर्ट करें। तो ये दोस्तों हमारे सामने आ गया MP का जाँच सीमा चौकी यानी MP का बॉर्डर, और छतरपुर हमारा अभी यहाँ से 28 किलोमीटर बचा हुआ है बाकी। दोस्तों हम भी यहाँ फर्स्ट बार ट्रिप लेके आया हूँ मैं, आज तक कभी आया नहीं हूँ इस रोड पे, पहली बार ही आया हूँ मैं। और जब हम कहीं एक आध दो बार चल लेते हैं तो वहाँ का पूरा अनुभव भी हो जाता है, और फिर वो लाइन भी सही लगने लगती है। यहाँ ये लोग दोस्तों गाड़ी की फाइल को ले लेते हैं, कांटा भजन करते हैं, उसके बाद पर्ची देते हैं, फिर आपको उधर ऑफिस में जाना पड़ता है फाइल लेने के लिए। तो अभी बॉर्डर को पार किया और एक प्रॉब्लम जो आई है वो हम तुम्हें बताते हैं। प्रॉब्लम क्या है यार, ये दिखाई देते हैं, ये देखो इस पर लिखा हुआ है हिंदी में हाइट। हाइट का मतलब गाड़ी आपकी हाइट है, वो मानते हैं हम गाड़ी हमारी हाइट है, लेकिन भाई साहब इस हाइट गाड़ी की एक बार आपको कांटा पर्ची भी हम दिखाई देते हैं कि इसमें वजन कितना। ये देखिए भाई साहब, जो गाड़ी 30 टन पास है वो गाड़ी 26,960 वजन लेके आ रही है, जिसमें से 6 कुंटल बारदाना काट दिया जाएगा, यानी कटपिट के 26 टन वजन गाड़ी लेके आ रही है 30 टन में। बताइए मोटर मालिक क्या गाड़ी को कैसे चलाएँगे, कैसे ड्राइवर को रख पाएंगे, और कैसे गाड़ी की किस्त डालेंगे, ये सब समस्याएँ हैं। बस यही देख के थोड़ा दिमाग गड़बड़ा जाता है यार। तो फाइनली दोस्तों हम लोग बॉर्डर से जो है सारा सब कुछ काम करा के, बहुत सारा रगड़ा पड़ा यार, लेकिन शांतिपूर्वक जो है निकल आए हैं। वहाँ से जो पर्ची लेनी पड़ती है अपने को, वो दिखानी पड़ती है यहाँ कोटरी में, उसके बाद ये बैरियर खुलता है तो बॉर्डर क्रॉस होता है ग्रुप। और वो हमारी दूसरी गाड़ी है जो हमने पार करा के पहले ही खड़ी करा दी थी। फाइनली दोस्तों हम लोग जो है MP मध्य प्रदेश में छतरपुर को पार कर चुके हैं। तो दोस्तों अभी हम पड़ गए हैं सागर वाले रोड पर, हमको जाना है सीधे सागर, वहीं से हमें मिलेगा पिपरिया वाला रूट। तो कैसा लगा हमारा आज का ब्लॉग, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक कर दें, अगर चैनल पे यदि नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और अपने ड्राइवर भाई को सपोर्ट करें। तो आज के ब्लॉग को गुरु यहीं एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम, जय हिंद।